हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज अपन ने प्लान किया है, अपन आज जाएंगे पुराना किला और आज अपने छोटू भाई अपने साथ हैं और एक नए मेहमान हैं अपने साथ, नाजिम। नाजिम भाई। नाजिम भाई। हम पुराना किला आ चुके हैं। सन्नी भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने में? बहुत मजा आया, भीड़ बहुत है और बारिश हो गई तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। अच्छा, हाँ तो अच्छा है, तो घूमने में ज्यादा मजा आया। तो ये बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा मुख्य किले की चारदारी का एक भाग है, ये आप पढ़ सकते हो पूरा पूरा। एंट्री कर रहे हैं पुराने किले में, म्यूजियम भी है देख सकते हो आप, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। वीडियो नहीं ले पाया मैं, अंदर टाइम वेस्ट ही लगा, तो म्यूजियम में कुछ है नहीं, तो सिर्फ पत्थर से रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई है जो कि एशियंट चीज़ों से प्यार करता है और कुछ रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए बढ़िया चीज़ है। मुगल टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं ये पुराना किले के अंदर, इसका म्यूजियम है, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, एक रहस्यमय चीज़ हमें दिखी है, देख सकते हो आप, ये कभी यूज़ होती होगी कोई गुफा है, ये पुराना किला में ये गुफा देखने को मिलेगी आपको। और अंदर एक लाइट देख सकते हो आप, कोई अंदर बैठा हुआ है लेकिन अंदर जाना हमें मना है, बंद कर रखा। तो पुराना किला थोड़ा जर्जर स्थिति में देख सकते हो आप, थोड़ा सर पे रखा कि हाँ। इसकी मेरे को लगता है मरम्मत की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, काफ़ी टूट। दो इंचों का जोड़ा, एक छोटू दो इंचों का जोड़ा दिखाता हूँ आपको, वो हंस ने एक चश्मा पहना हुआ है। अरे ये तो परिंदे हैं ना, था परिंदे। सॉरी, ये परिंदे हैं, हमारी गलती हो गई। जोड़ा नहीं है सिर्फ, सेम यही है देखो। हाँ, तो छोटू भाई आपको कुंड दिखाते हुए, सूरज कंड का कुंड आपको दिल्ली में मिल रहा है, हम पुराने किले का कुंड दिखाएंगे। गेट एट होगा पता नहीं क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से नजर लगती है, ये कुंड टाइप, यहाँ पर ये सूरज कुंड की तरह ही है। यहाँ पर भी काफी बढ़िया लोकेशन है बैठने की, आप काफी बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर फैमिली के साथ आए हो तो। ऊपर देख सकते हो आप, छोटू भाई कौन सा कुंड है ये? ये वैसे तो पुराने किले का कुंड है, ये सूरज कुंड तो नहीं है। अच्छा, तो ये थोड़ी हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट हो गया पुराना किला, देख सकते हो आप, ये खतरनाक जगह है और अच्छी जगह है काफी, मतलब। और यहाँ से पूरा पुराना किला दिखेगा आपको, ओ माय गॉड, यहाँ से साक्षात यमराज दिखते हुए हमें, यहाँ से पूरे यमराज के दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे और पीछे जाएंगे हमें। इतनी ऊंचाई पे खड़े तो डर नहीं लग रहा आपको? डर तो बहुत लग रहा है, मगर क्या करें। तो आपने अपना जोड़ा कहाँ छुपा दिया? जोड़ा हमारा थोड़ा दूर है। तो भाई अकेले ही उसको धक्का दे दिया मेरे को लग रहा है छोटू ने। वो थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तो छोटू, मैंने बोला नाप के दिखाओ, गहराई नापने गई है वो। तो छोटू ने अपने जोड़े को धक्का दे दिया है और यहाँ देख सकते हो कहीं पड़ी हुई दिख रही है आपको? नहीं,
वो देखो लकड़ी सी पड़ी है। तो दोस्तों पुराना किला में एक ये भी लोकेशन है काफ़ी अच्छी, और यहाँ पे आप फोटो क्लिक करा सकते हो, काफ़ी देख सकते हो काफ़ी लोग बैठे भी हैं, और इसके चारों तरफ बढ़िया पार्क है, और मैं दिखा देता हूँ आपको। इस टाइम हम और ये हल्के हल्के रहे पुराना किला की बेस्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, जिसके लिए लोग पुराना किला विजिट करना चाहते हैं देख सकते हो ये किला, जिसके लिए लोग ज़्यादातर लोग यहीं पे इसी को विजिट करने आते हैं, और यहाँ से इसका व्यू काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है देख सकते हो आप, लेकिन इधर भी मेरे भी देख लो, सेफ्टी रखो होते हुए। और ये तो डर के आगे जीत है, तो अभी थोड़ा हमारा डर लग रहा था, लेकिन ये छोटू भाई लेके आया डर के आगे जीते हैं ड्यू। पहले ड्यू पियेंगे फिर उसके बाद कुछ और, हाथ पैर टेढ़ा टाढ़ा होगा। तो दोस्तों थोड़ी बारिश होती हुई, ये वही तो है, ये बारिश में इसका कलर और ज्यादा निखर के सामने आ रहा है देख सकते हो आप। प्रगति मैदान मेट्रो नहीं है, म्यूजियम बन रहा है, और यहाँ से पूरा आपको जो नया प्रगति मैदान के पास बना है बच सकते हैं बारिश से। तो दोस्तों यहाँ पे 20 रुपए में मौत का कुआं भी देखने को मिल जाएगा आपको, देख सकते हो मौत का कुआं, अपने फोन कर जूम करके देखो, और इसमें काफी खजाना पड़ा हुआ है, ये छोटे छोटे खजाना है इसमें, इसमें फोन भी गिरने का डर है तो हम ज्यादा जूम नहीं करेंगे, और हम चुम्मा गलाना भूल गए, नहीं तो हम चुपका सकते कुछ पैसे। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो आप पुराना किला का फेमस, जिसके लिए पुराना किला बोलते हैं मेन वही किला, और काफ़ी भीड़ है, बारिश भी हो रही है, तो देख सकते हो अच्छी कंडीशन है बाकी के कंपेयर में, बाकी देखोगे तो आप काफ़ी टूटी फूटी जो इसकी बाउंड्रीज है काफ़ी टूट गई हैं, लेकिन जो ये मेन बिल्डिंग है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है अभी तक, तो मतलब इसमें काफ़ी मेंटेनेंस की गई है मेरे को लगता है, तो अच्छी कंडीशन में है फिर भी देख सकते हो मेरे पीछे, बाकी मैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको पूरा। तो ये पुराना किले के अंदर का व्यू है देख सकते हो आप, इसका है टॉप, और मेरे पीछे देख सकते हो पूरा काफ़ी बड़ा है, तो इसके गेट्स भी देख सकते हो आप। जगह यहाँ कुछ बताओगे? बहुत ही मज़ा आ रहा है, बस अकेलापन सा महसूस हो रहा है। तो सनी भाई आप कुछ बोलोगे लोगों को आने के लिए, कुछ बोलोगे आए कि नहीं आए, कैसे आए, क्या बताओगे कुछ? दो लोग आए तो सनी भाई का भी यहाँ पे दर्द पूरा पूरा झलकता हुआ। तो ये वैसे दो लोग हैं, फालतू में बोले अकेले आए हैं। फाइनली हमने पूरा पुराना किला कवर कर लिया है, काफी अच्छी जगह है, तो मतलब आपको अराउंड 2 घंटे लग जाएंगे पूरा कवर करने के लिए, 3 महल भी टाइप है, छोटू सही बोल रहा हूँ ना? सही बात, और अच्छी जगह है वैसे, हाँ ठीक है, घूमने लायक है, हाँ दोस्तों के साथ भी आने चाहिए जैसे हमारे। ये इसके थोड़ा दुख है, दोस्तों के साथ भी आना चाहिए, समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहे, तो मतलब लेकिन अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो आप आ सकते हो आराम से, आप डायरेक्ट ITO के पास प्रगति मैदान है जो, वहाँ से डायरेक्ट किसी भी ऑटो वाले से बोलोगे 10-15 रुपये लेगा आपको, और आप चाहो तो चिड़ियाघर आ जाओ चाहे यहाँ पर आ जाओ, तो चिड़ियाघर में ज़्यादातर क्राउड रहता है, तो आप यहाँ पर आके आराम से देख सकते हो सब चीज़, और ऑनलाइन टिकट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, और 20 रुपये में और ऑफलाइन, हाँ ऑनलाइन 20 रुपये और ऑफलाइन 25, और फॉरेनर के लिए 300 रुपये टिकट है, तो अच्छी लोकेशन है, तो इसी तरह के नए नए ब्लॉग लेके आते रहेंगे, और नाजिम भाई थोड़ा गुस्सा हो गए क्योंकि अकेले आए थे।
दो आने चाहिए हमेशा, कहते हैं नाजिम भाई मजा आएगा नहीं। हाँ मजा आएगा। चलो फिर ऐसे मिलते रहेंगे नए नए वीडियो में। बाय बाय।